हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर है एक नई वीडियो में और नई टॉपिक के साथ। जब फ्रेंड्स बात करेंगे बिहार सरकार की जॉब 2020 के बारे में, तो आई हुई एक ऑफिशियल नोटिस के बारे में। तो नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से यहां पे एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कौन सी नोटिस आई हुई है और किन के लिए नोटिस है, सभी जानकारी दिया जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग को सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे बताना चाहूँगा, न्यूज़ और नोटिस जो हिंदुस्तान पेपर में आज ही का जो है लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट दिया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप लोग को दे दिया गया है। तो देख पाएंगे, नगर विकास एवं आवास विभाग आवश्यक सूचना फ्रेंड्स इस प्रकार से कि अभी काउंसिलिंग होने वाली है जो कि 21/1/2020 को, ठीक है, 21/1/2020 को काउंसलिंग होगी सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। तो किन की काउंसलिंग होगी, तो देख पाएंगे नगर विकास एवं आवास विभाग अधीन सचिवालय सहायक एवं जो है 4 उच्च वर्गीय लिपिक और रिक्त पद पर जो है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो वैकेंसीज निकाला गया था, देख पाएंगे वैकेंसीज का विज्ञापन संख्या कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो विज्ञापन संख्या आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग का ये विज्ञापन संख्या था तो आप लोग का जो है काउंसलिंग होने वाला है। तो यहाँ पे जो है जानकारी दी गई है कि 21/1/2019 को होने वाली है काउंसलिंग, जिसमें आप लोग को जो है यहाँ पे विभागीय वेबसाइट में आप लोग आकलन कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले आप लोग का छाया प्रति सभी डॉक्यूमेंट्स का, और सभी डॉक्यूमेंट्स देख पाएंगे यहाँ पे आप लोग को जानकारी दिया गया है, ऑनलाइन का प्रिंट, फिर यहाँ पे आप लोग का प्रमाण पत्र, सभी को जो है सेल्फ अटेस्टेड करके एक साथ आप लोग को ले जाना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ ये अपडेट थी नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आ रही थी, तो हमने आप लोग को हर एक जानकारी यहाँ पे दी है। इसी तरह जो भी आगे जानकारी निकल के आएगी, जो न्यू वैकेंसीज निकल के आई है हमारे बिहार में नगर विकास और आवास विभाग की, वो भी जानकारी आप लोग को दी जाती है। तो चैनल पे बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ताकि आप लोग को आगे की अपडेट मिल पाए। तो फ्रेंड्स मिलेंगे बहुत जल्द और एक वीडियो में और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।